तुम्हारी बात सुनने की बात महाभारत कितने अटपटी है। मस्ताना जी हमारे बहुत दिनों से पूजनी है, एक एक नी चार चार बिटिया है, गोहानी से तोला। हम तोला का सम्मान करते हैं, तोला का अगर पशु है तो हम उनको उसको सम्मान करते हैं, मनुष्य की तो क्या बात है। और आज समय दरबार में और जो जन बैठे हैं आज समय नमस्कार नमस्कार सबका उसे जो जिस लायक। और इसी बात पर हाँ नरेश को लड़का जय हिंद। ये हम गांव वालों वालों की तरफ से 11 रुपए आ रहे हैं, मैं सम्मान करता हूँ, धन्यवाद। महाभारत में कहते हैं द्रौपदी को कहते पचकन्या, द्रौपदी को कहते पचकन्या और राखे ती पांच पति, द्रौपदी को कहते पचकन्या राखे ती पांच पति, छे पति कुंती ने राखे सास बहू किए गति, विधवा बहुअन पे रमर कियो, विधवा बहुअन पे रमर कियो, जेठ ने कर दो लोहरियन खा गर्भवती, और हमारे श्रीमान महोदय जगत से उनकी तरफ से 21 रुपए आते हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, धन्यवाद। धन्यवाद। द्रौपदी को कहते पचकन्या, द्रौपदी को कहते पचकन्या राखे थी पांच पति, छह पति कुंती ने राखे सास बहू की ये गति, विधवा बहुमन पे रमण कियो, जेठ ने कर दो लोहरियन का गर्भवती, व्यास ने अनचित उचित नहीं देखा साधु मन किए मति, कहते हैं कब ख्याली और कब का विचार दे, कहते हैं सब ऋषि मन में विचार करो, जेने जग में जलम लो को नहीं चाहत हवा के गति, बिना हवा से कोई जी नहीं सकता, कोई ऐसा रूख नहीं जिसमें हवा प्रवेश न हो, ऐसा महाभारत है। दुधमा बहुमन पे रमण कियो, जेठ ने कर दो लोहरियान का गर्भवती, व्यास ने अनचित उचित नहीं देखा साधु मन की ये मति, अम्मा अम्बालिका को लिपि पुति चौतरिया यहां पे बैठो जे, और जेठ तो जेठ ही रहो लोरन के रह गो, व्यास की बात। इसी बात पर हमारे
रवि और जय हिंद दोनों मिलकर के 11 रुपया दे रहे हैं इस बात पर, इस गीत पर बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और मोड़ गई है अब राजा से, अरे नाम जगाते मेरे छोड़ो उघाड़ दिया था, देवता नीच को सर झुका के रह गए। नामक जो राजा थे उनने भर नजर के देखा उनके शरीर को, देवता ने शराब दे देती, जाओ मृत लोक में जाओगे तुमको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा, गंगा से शादी होगी तुम्हारी, जाओ यहां गंगा से शादी होती। गंगा कहती है मुझे पत्नी तो बना लिया लेकिन शर्त मेरी, बोले कौन, बोले मेरी, काज में आप बाधा नहीं डालोगे, मेरे काम को कभी रोकोगे नहीं। बोले ठीक है गंगा, कभी नहीं मना करूंगा। वहां राजा शांतनु के 6 पुत्र पैदा होते हैं, 7 पुत्र पैदा होते हैं, अपने हाथों से गंगा में बहा देती है, गंगा अपने पुत्र को बहा देती है। राजा शांतनु घबराने लगे, ऐसी नारी को कहो, ऐसी नारी को कहो 7 पुत्र जन्म हुआ अपने हाथों से गंगा में बहाती जाती है, आगे की लाना कोई सहारा नहीं, इसको देख के रहेंगे। 8वां पुत्र पैदा होते हैं देवव्रत,
क्या बात है मेरे गुरु महाराज जी, बहुत अच्छी बात। गंगा बहाने की तैयारी में हो गई। राजा शांतनु से दर्जना सहा गया। राजा शांतनु ने मना कर दिया, बोले बस गंगा बहुत हो गया, मैं नहीं देख सकता हूं ये कष्ट। गंगा कहने लगे मेरा तेरा वादा पूरा हो गया, मैं ये चली। गंगा प्रभाव ले जाती है, राजा शांतनु के शांतनु अकेले रह जाते। ये महाभारत की कथा है। और इसी बात पर हमारे रघुराजा शांतनु